नमस्कार दोस्तों, इंट्राडे टेक मुंबई और स्टॉक मार्केट का कुबेर का खजाना चैनल पे आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है। आई मस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ इन इंट्राडे टेक मुंबई एंड स्टॉक मार्केट में कुबेर का खजाना चैनल विथ इंडियन स्टॉक मार्केट का गुरु। तो चलिए दोस्तों, अगर आप भारतीय शेयर बाज़ार में एक साल के लिए अगर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपको बहुत बढ़िया, अच्छा, गुड, वेरी गुड और गोल्डन चांस है। चाहे आप भारत में हो या भारत के बाहर हो, अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, इंग्लैंड में हो, रशिया में हो, चाइना में हो, या हो आप पाकिस्तान में या यूक्रेन में, या आप उज्बेकिस्तान में, या हो आप दुनिया के किसी भी, फ्रांस में हो या इंग्लैंड में हो। कहने का मतलब दुनिया के किसी भी कोने में है और शेयर बाज़ार में आप इंटरेस्ट रखते हैं, इन्वेस्टर है, नॉट ट्रेडर। ओनली इफ़ यू आर इन्वेस्टर एनी टाइप ऑफ एनी इन कंट्री, देन गोल्डन चांस इन्वेस्ट इन इंडिया एट प्रजेंट टाइम। आज वर्तमान समय में अगर एक साल के लिए भारतीय शेयर बाज़ार में पैसा लगाना चाहते हैं दोस्तों, तो आपके लिए ये सुनहरा अवसर आपका इंतज़ार कर रहा है। जी हाँ, और ये चैनल आप जो देख रहे हैं, इंट्राडेटेक मुंबई MBA BK सिंह #, दुनिया के किसी भी सोशल मीडिया पे #, MBA BK सिंह #, इंट्राडेटेक मुंबई #, स्टॉक मार्केट में कुबेर का खजाना #, इंडियन स्टॉक मार्केट का गुरु, तो आपको मिल जाएगा। चाहे इंस्टाग्राम हो, गूगल हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो जो आजकल एक्स नाम हो गया है, या हो यूट्यूब, या हो टेलीकॉम, किसी भी जगह। तो आइए आपको मैं बताता हूँ कौन सा स्टॉक आपको, कौन सा सेक्टर एक साल के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, उस सेक्टर के बारे में। चलिए, क्यों मैं एक साल के लिए बोल रहा हूँ ये भी जान लीजिए। तो एक साल अगर पहले, आज 30 मार्च 2024, एक साल कितना हुआ, 29 मार्च 2025, लेकिन एक साल में 3 महीना आपका चला गया दोस्तों। जनवरी चला गया, फरवरी चला गया, मार्च भी जाने वाला है, एक दिन बचा है। 7 तारीख को भारतीय हमारा बजट 7 अप्रैल से शुरू होने वाला है और इसमें आपको एक बहुत बड़ी खास बजट देखने को मिलेगा। और ये बजट कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं हो दोस्तों कि उसको हम घुमा दें, चला दें जैसे मन में आएगा। ये लंबे समय के लिए आपको चलने वाला है, लेकिन अभी अगर आप जी जो लोग 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए सोचते हैं कि तुरंत लगाएं, तुरंत पाएं, तो ऐसे लोग थोड़ा सा स्टॉक मार्केट से बाहर ही रहें दोस्तों। क्योंकि अगर बाहर नहीं रहते हैं तो आपका पैसा होल्ड हो सकता है, नुकसान नहीं होगा, होल्ड हो सकता है, ये भी हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। चलिए, उसको बताने से पहले एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, कौन सा सेक्टर आपके लिए, एक साल की तो बात हो गई दोस्तों, एक साल तक अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है, कोई भी स्टॉक है दोस्तों, मुझे नहीं पता किसके पास क्या स्टॉक है, लेकिन हर वो स्टॉक पता है जो हमने सभी मेंबर्स को, जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनको दिए हैं, तो उनको एक विशेष हमारा एडवाइस है, नया खरीदने से परहेज, जो हमारे पास है उसी को हम सस्ता करेंगे। सस्ता करने का मतलब पैसा जब भी आएगा उसको हम एवरेज करेंगे, और हमारे जो भी एक दो दिन के अंदर जो पैनी स्टॉक्स जो 10 रुपया से कम के हैं, जो 20 रुपया से कम के हैं, अगर बताए हैं तो उसको होल्ड करके रखना है और उसको दिन पे दिन उसको एवरेज करते रहना है दोस्तों। दो स्टॉक आज तक 4 साल के इतिहास में, 2 स्टॉक हमसे फिसल गया है, लेकिन वो फिसल गया, फिसल के कहाँ जाएगा, कहीं गटर में नहीं जाएगा,
कहीं खाड़ी में नहीं जाएगा, वो फिसल के जाएगा तो एक जगह इंतजार करेगा और जैसे मौका मालेगा मौका मिलेगा उछल कर जाएगा। पहला 3 साल से एक स्टॉक है STL टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये फाइबर का काम करता है, पूना की कंपनी है और इसके गुजरात में बहुत सारे चल रहे हैं। फाइबरिंग का 5G फाइबरिंग का काम चल रहा था, इसका क्या कारण है इस कारण को भी हम जरूर आपको धीरे धीरे शेयर करेंगे। तो ये एक हमको नुकसान करके दिया। दूसरा 4 महीना पहले मरकरी ईवी टेक, ये भी गुजरात की कंपनी है, आपको मैं बता दूं ये भी आने वाला समय में ज़रूर आपको प्रॉफिट दे, इसको भी आपको एवरेज करना चाहिए 46% 50% के आसपास, किसी किसी का 50% तो नहीं अभी लेकिन 40% 42% 35% 36% एवरेज करने के बाद किसी किसी का 30% तक पहुँचाए। लेकिन इसी से रिलेटिव आपको मैं बता दूं, और ये जो MBA BK सिंह अभी जो बताने वाले हैं उस सेक्टर में आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये पता करना है दोस्तों, अगर मैं बता दूंगा कौन सा सेक्टर है तो आपको तो मैं बताऊंगा ज़रूर दोस्तों, सभी को मैं बताऊंगा कौन सा सेक्टर है और इस सेक्टर के कौन कौन सा स्टॉक है। उस सेक्टर का नाम सिर्फ ले लेंगे तो जानते हैं आपका नुकसान हो जाएगा। हमारा ये कोई मकसद ये नहीं है दोस्तों कि हम दुनिया को कुछ दें, दुनिया को सब कुछ देने के लिए आए हैं, शेयर बाज़ार हो या कोई भी हमारे पास जो भी बुद्धि विवेक है आप सभी को मैं देने के लिए कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर हमारी सोच के साथ सभी लोग जो भी यूट्यूबर हैं जो शेयर बाज़ार से संबंधित वीडियो बनाते हैं या बनवाते हैं, अगर उनकी भी सोच ऐसी रहती तो मैं ज़रूर इस सेक्टर की बात करता। मुझे जैसे भी सेक्टर हमने बताया वो सर्च करेंगे उस सेक्टर के उस स्टॉक को और वीडियो अपने तरीक़ा से बनाएंगे। जितने भी ब्रोकर हाउसेज है, जितने भी TV चैनल के ये जो पिछवाड़े आते हैं पाँच इधर, उन सबों ने बहुत सारे चैनल बना रखे हैं दोस्तों। 100 में से 90 चैनल ऐसे हैं जो ब्रोकर हाउसेज के चलते रहते हैं। और ये ब्रोकर हाउसेज क्या करते हैं, ये TV न्यूज़ चैनल वाले क्या करते हैं, अपने अपने यूट्यूब कंपनी बनाकर, अपने अपने स्टूडियो बनाकर, और इनका काम है बस छापते रहो, पोस्टर लगा देंगे पोस्टर में दिखा देंगे ये, और ये पोस्टर लगाने वाले खुद ही हैं दोस्तों। अब बाद में कहते हैं कि ये हमारा नाम, अरे भाई हमारा नाम क्यों करते हो। MBA BK सिंह डंके की चोट पे 100% गारंटी के साथ अपना फ़ोटो लगाते हैं, अपने आते हैं, अपने बताते हैं और लोगों को भी सतर्क करते हैं, गुमराह होने से बचाते हैं। तो उस तरह क्यों नहीं करते, क्यों अपना पोस्टर चिपकाते हो दोस्तों, ये तो वो कहानी हो गई, क्या बताएं। पोस्टर लगाकर बस सोच लीजिए कि वही व्यक्ति है, और जो अब हम कहना नहीं चाहते दोस्तों। चलिए, तो उस सेक्टर का नाम क्या है, सिर्फ और सिर्फ हम उन्हीं मेंबर को डायरेक्ट मैसेज करेंगे जो हमारे क्लाइंट है। क्षमा चाहते हैं बाकी सभी व्यूअर से, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं हमें क्षमा कीजिए, क्योंकि हम इनडायरेक्ट ज़रूर आपको बता देंगे। आप YouTube चैनल ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन दबाइए, वहाँ पे 799 रुपये का, 8999 रुपये का 2 ऑप्शन है, उसमें से चुनिए और डायरेक्ट YouTube चैनल ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करके आप WhatsApp पे 9920560932 YouTube चैनल ज्वाइन कीजिए, 9920560932 WhatsApp नंबर है, उस पर WhatsApp कीजिए, स्क्रीनशॉट दीजिए कि हमने YouTube चैनल ज्वाइन किया है। तब हम आपको उस सेक्टर का बताएंगे जो स्टॉक आने वाले समय में अभी तक YouTube पे 100% गारंटी है, डंके की चोट पे एक भी कोई भी वीडियो बनाने वाला शेयर बाज़ार से इसकी चर्चा न किया है और आने वाले कम से कम 6 महीने तक नहीं करने वाला है। जब हमारा वीडियो आएगा तभी उनकी आँख खुलेगी और छापते रहेंगे क्योंकि
हम तो रास्ता अपना खुद बनाते हैं दोस्तों। एक समय था जब हम बोलते थे जिस शैली से, जिस टेक्निक से, उस तरह वीडियो बनने लगा। कुछ दिन पहले हमने वो ग्राफ एनालिसिस करके बताने लगा कि ये चैनल, ये ग्राफ, वो डाटा दिखाने लगे कि देखो यहाँ खरीदना है, यहाँ बेचना है, यहाँ खरीदना है। अभी बहुत सारे चैनल उस तरह का चलने लगे हैं दोस्तों, लेकिन किसी का डुप्लीकेसी और किसी का कॉपी करके आप ज़्यादा दिन टिक नहीं सकते दोस्तों। जी, सच टिकता है, ठहरता है, रुकता है, और झूठ मटिया मेट हो जाता है। ये भी आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों। चलिए आपको मैं बता दूं, तो ये आप निश्चिंत रहें, जो भी हमारे क्लाइंट हैं, जो भी हमारे मेंबर हैं, आपको मिलने वाला है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी स्टॉक 6 महीने तक खरीदना नहीं है। क्या करना है, हमारे पास जो है उसी को हम सस्ता बनाएंगे। सस्ता कैसे बनाएंगे, जो हमारे मान लीजिए कि 100 रुपये का खरीदारी है, अगर अभी 90 रुपया है तो उसी को 10%, 90 रुपया है तो हम 10%, मतलब हम 10 शेयर खरीदेंगे, 5 शेयर खरीदेंगे, 5, 6, 10 शेयर है तो उसमें सबको बराबर बराबर चांस देंगे और 6 महीना तक यही करते रहेंगे। उसी के बीच में ये आपको जो सेक्टर आने वाले पूरी दुनिया के लिए खतरा है, जो सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, जो बताने वाला हूँ, और जो अभी मैं इस वीडियो में नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो उस सेक्टर के कम से कम 17-18 ऐसी कंपनियाँ हैं जो अभी नर्सरी में है दोस्तों। नर्सरी के मतलब अभी स्टार्टिंग है, वो अभी अंकुरित हो रहा है। बहुत साल पहले कंपनी बना था, लेकिन उसका अब ये उसका क्रेज आने वाला है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ी एक खतरा मंडरा रहा है। उस खतरे का घंटी बजना शुरू हो गया है, और इसमें से लगभग 4% कंपनियां सिर्फ सक्षम है अभी अपने इस खतरे को बचा रही हैं। आने वाले समय में लगभग 55-56% ऐसी बहुत सारे हमारे कंपनी अर्थव्यवस्था की जगत की बहुत बड़ी कंपनी है, उन पर खतरा है। और इस खतरे को मुकाबला करने के लिए हमारे सर्विस सेक्टर का ये स्टॉक जो धूम मचाने वाला है, मल्टी बैगर बनने वाला है। इस तरह का अगर आपको भी चाहिए, मेंबर तो हमारे जो हैं उनको तो मिलेगा। अगर अभी तक आप मेंबर हैं तो इसीलिए मैं बोलता था 1 अप्रैल से सभी को 9920560932 पे MBA वैकेशन देने वाले हैं। तो आ जाइए, आप भी उस रास्ते पे चलिए जहाँ पे हम चलने के लिए रास्ता बना चुके दोस्तों। और ये तो पक्का 100% है, करोड़पति बना के छोड़ेंगे, ये हमारा चैलेंज है, हमारा ये वादा है आपसे। हमारी जो स्ट्रेटेजी है, हमारी जो मिशन है, आंख मूंद कर, भोजपुरी में कहावत है दोस्तों, आंख मूंद कर जो MBA BK सिंह पे ब्लाइंडली अस्थिर रहता है, वही दुनिया में कुछ कर पाएगा। स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, इस दुनिया के शेयर बाज़ार में 100% हम जो बोलते हैं वही करते हैं। और आज तक MBA BK सिंह कभी भी फेल नहीं हुए, ये हमने जब से होश संभाला है तब से। जो मुझे चाहिए हम वही लेते हैं, जो मुझे स्टॉक पसंद आ जाता है उसको हम छोड़ते नहीं हैं, और तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक कि वो हमें प्रॉफिट नहीं देता है। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, सेक्टर की बात कर लूँ, कभी निफ्टी फार्मा की एक बात, निफ्टी फार्मा हो, निफ्टी ऑटो हो, निफ्टी FMCG हो, अगर मैं जिस स्टॉक की बात करता हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टॉक थे जो 3-4 दिन लगातार गिर रहे थे, और उसके लिए हम मल्टीबाई करते करते, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे स्टॉक, उसमें से कुछ स्टॉक की मैं बात बता दूं, ल्यूपिन की बात कर रहा हूँ, फार्मा सेक्टर की स्टॉक थे, उसी से रिलेटिव एक और स्टॉक था, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, ल्यूपिन और एक स्टॉक और था सन फार्मा। ये सारे स्टॉक 1000 से नीचे थे, 800 भी नीचे थे, और हमने बोला था 1000 के पार। हाँ, एयरटेल की भी बात कर रहा हूँ, और ये हमें जो छक्का छुड़ाते थे, कभी भी अगर मैं जिसको जीत पकड़ लूँ उस स्टॉक को हम दबोच के रखते हैं, उसको तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि हमारा पैसा कंपाउंडिंग
बनता नहीं है दोस्तों। उसी तरह इस जिस जिस जो सेक्टर आने वाला है, ये सभी सेक्टर बड़ी बड़ी कंपनियों को उस जोखिम से बचाने वाले हैं जिसका खतरा हमारे भारतीय जगत में आने वाले स्थिति से बहुत ही अपरिचित कंपनी है, जो दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहे हैं, खून पसीने मेहनत की कमाई कर रहे हैं और उसी पे आने वाला है अटैक। वो कौन सा सेक्टर है, कौन कौन से स्टॉक हैं, हम बताएंगे आपको। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, वेट एंड वॉच ऑफ दिस माई चैनल इंट्राडे टेक मुंबई, स्टॉक मार्केट में कुबेर खजाना और इंडियन स्टॉक मार्केट का गुरु। चलिए दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 अगर आता नहीं तो अभी तक हम लोग अपना 50% टारगेट पूरा कर चुके होते, ये भी जान लीजिए। लेकिन जो 3 महीने में नहीं होता वो 3 दिन में होता है, जो 6 महीने में नहीं होता है वो 6 दिन में होता है, ये भी जान लीजिए 100%। जो 3 साल में नहीं होता है वो 3 महीने में होता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो अभी तक जिसने दिसंबर जनवरी में जो कमाई किया, पूरे 2 साल 3 साल के बाद शायद ही स्टॉक मार्केट में किसी ने ऐसा कमाई किया होगा दोस्तों, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ उनके लिए हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, शेयर बाज़ार में पैसा लगाना चाहते हैं, शेयर बाज़ार में आना चाहते हैं, लेकिन इसलिए नहीं आते हैं कि उनके दोस्त मित्र आसपास लोग कहते हैं अरे शेयर बाज़ार तो जुए का अड्डा। दोस्तों जुए का अड्डा नहीं दोस्तों, शेयर बाज़ार स्टॉक मार्केट इज द टेक्निकल प्लेस 100%, ये आपका माइंड में फिट होना चाहिए। और ये टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं, सिर्फ कैंडल चार्ट, मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डेली चार्ट से आप नहीं पढ़ सकते हैं, इसके लिए आपको कम से कम कुछ नहीं तो 4-5 साल शेयर बाज़ार में आपको बिताना चाहिए, कम से कम 2 घंटे। बहुत सारे हमारे वीडियो हैं, आप देखेंगे 3 साल में तो लगभग 7-7.5 हज़ार वीडियो है 3 साल के अंदर। अब 10 हज़ार मेरा टारगेट है, 10 हज़ार वीडियोज़ का टारगेट है इंट्राडे टेक मुंबई, वो पूरा करने के बाद ही हम चैन से बैठेंगे। और ये अभी शुरू कर दिए, और आपको एक बात बता दूं दोस्तों, कभी भी जो स्टॉक आप ले चुके हैं नुकसान में है उससे घबराना नहीं है, वही पैसा बना के देगा, ये मेरी गारंटी है। दूसरी तरफ आप गुजरात वासियों को बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हम बहुत जल्दी आपको अपने पास बुलाने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ, सबसे पहले तो संतराम आश्रम बाबा आश्रम की मैं आपको बता दूं, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जहाँ लोकसभा, जो लोकसभा कंस्टिट्यूंसी है, लोकसभा क्षेत्र है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का नाम है दोस्तों, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है, ये आनंद डिस्ट्रिक्ट जो है, आनंद जो है, खेड़ा पहले एक ही डिस्ट्रिक्ट था, अब दो डिस्ट्रिक्ट बना दिया। और ये जितने भी अभी खेड़ा में जो भी आपका ऑफिसेज थी गवर्नमेंट का, वो ज़्यादा से ज़्यादा अभी बंद हो गया, लेकिन नडियाड जहाँ पे 3.5 लाख की पॉपुलेशन है और खेड़ा में वही लगभग 50-55 हज़ार की पॉपुलेशन है, जिसके चलते नडियाड अभी बहुत बड़ा एक मार्केट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ऐसे संत लोग हैं, उनका आशीर्वाद है कि आज हम भी नडियाड में रुकने के लिए जगह फाइनल कर चुके हैं। आपको एड्रेस भी मिल जाएगा, सभी को आते रहेंगे, हम लोग मिलते रहेंगे और आपसे भी रूबरू होते रहेंगे हम, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट शेयर बाज़ार से जुड़ा हुआ हमारा नडियाड में अस्थायित्व आसियाना सिर्फ नहीं है दोस्तों, हमारे फ्यूचर प्लानिंग क्या है वो भी आपको मिलेगा। और स्टॉक मार्केट में आने वाले समय में 1.5 से 2 साल बाद क्या आपको मिलने वाला है MBA BK सिंह से, वो भी आपको ज़रूर पता चलेगा दोस्तों। हम उस चातक पक्षी की तरह हैं दोस्तों, चातक पक्षी की मात जानते हैं दोस्तों,
चातक पक्षी की चर्चा, जिसको लोग पपीहा भी कहते हैं, ये दोनों पक्षियों के एक ही, कोई चातक पपीहा कुछ लोग बोलते हैं, और ये दक्षिण भारत में पाए जाने वाले, दक्षिण भारत और उत्तर भारत में पाए जाने वाले, उत्तराखंड में पाए जाते हैं, ये दक्षिण अफ्रीका के में भी पाए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका से दक्षिण भारत आते हैं, दक्षिण अफ्रीका से दक्षिण भारत जाते हैं। चातक पक्षी के बारे में आप जान लीजिए कि चातक पक्षी की क्या मनोदशा है, चातक पक्षी क्यों तुलसीदास को प्रिय था, चातक पक्षी कालिदास को क्यों प्रिय था, क्यों उसकी चर्चा थी। तुलसीदास चातक को तो राम जिस तरह बसते थे उस तरह चातक पक्षी को मानते थे, चातक पक्षी की तरह। क्या कारण था, हरिवंश राय बच्चन भी चातक की कविता गा चुके थे, महादेवी वर्मा कवि चातक के बारे में चर्चा कर चुकी थी। 1966 में एक पिक्चर आई थी, आनंद बख्शी की गीत था, चातक पपीहा के बारे में बहुत सारे कहानी किस्से हैं, और हकीकत है दोस्तों, उसमें से एक चीज़ आपको निचोड़ में बता दूं, बहुत सारे लंबी कहानी हो जाएगी, क्योंकि MBA BK सिंह की बात है, इसलिए मैं बहुत तरह बोल बता रहा हूँ दोस्तों। चातक पक्षी की एक बहुत बड़ी खासियत है दोस्तों, वो न तो झील का पानी पीता है, न कुएं का पानी पीता है, न नदी का पानी पीता है, न सागर का पानी पीता है। अगर शिकारी उसको पकड़ भी लिया तो पक्षी उस पानी को नहीं पीता है। कौन सा पानी पीता है आप ही जान लीजिए, बारिश का पानी पीता है। जब तक बारिश की बूंदें बरसती नहीं है, और तब तक वो चातक पपीहा पानी पीता नहीं, प्यासे मर जाएगा कहते हैं लोग। वैज्ञानिक नहीं मानते इसको, वैज्ञानिक सिर्फ इसको गाने वाली गीत मनोहर और भी बहुत विरह की गीत गम के समय में और दिलों से प्यार करने वाले के लिए ये चातक पक्षी क्या चीज़ है। जिस तरह तुलसीदास राम की बहुत सारी चर्चा की, उसकी बहुत सारी चौपाई और दोहे मैं कहूँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, उसकी चर्चा धीरे धीरे आप लोग इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा, बस यही जान लीजिए। उसी तरह MBA BK सिंह उस स्टॉक को पकड़ते हैं जो कम से कम 10 गुना 1000% नहीं तो 100-100 गुना दे। कभी भी नुकसान में हम नहीं रहना चाहते, ना आपको रखना चाहते दोस्तों। तो पिएंगे तो बारिश का पानी, महाराष्ट्र में कहते हैं, महाराष्ट्र में इस पक्षी क्या कहती है, महाराष्ट्र के लोग क्या बोलते हैं, पयोस हो। महाराष्ट्र के क्या बोलते हैं लोग, इस चातक पक्षी क्या कहती है, पयोस हो, प्यासे हैं। उसमें से कुछ ज़रूर आपको मैं सुनाना चाहूँगा, मैंने नोट करके रखा है, लेकिन थोड़ा सा आप समय देंगे तो, बहुत ही इंटरेस्टेड चीज़ है दोस्तों। भगवान राम को तुलसीदास चातक से क्यों उसका ये पाउस हो गया था, भगवान राम से तुलना इसलिए किए हैं तुलसीदास कि जिस तरह चातक पक्षी प्यासे रहने के लिए मरने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक उसको ओस ये जो बारिश का जो मौसम आता है उसका इंतजार रहता है दोस्तों, उस बारिश की बूंदों को लेने के लिए वो अपनी कंठ को निहारते रहता है, खुले रखता है, अब आएगा, और आता है, ज़रूर आता है दोस्तों। और ये इसकी ज़रूर आप चातक के बारे में जानिए। तो उसी तरह तुलसीदास कहते हैं कि जब तक राम का नाम और राम हमारे रग रग में नहीं रहेंगे, तब तक हम जिंदा नहीं रहे, भले ही हम रह जाएं उस चातक की प्यास की तरह, लेकिन हम पिएंगे तो बारिश की
बूंदे ही, वरना नहीं। तो राम मेरे राम, मेरे राम, तुलसीदास जातक की तरह वो भी रहते थे, बस उनके बिना कुछ भी नहीं था। दोस्तों कालिदास की भी कविताएं हैं, वो भी पढ़िए, और इसके बाद वीडियो में जरूर इसकी चर्चा करेंगे। हरिवंश राय बच्चन ने क्या कहा, महादेवी वर्मा ने क्या कहा, कालिदास ने क्या कहा, तुलसीदास की वो चौपाई जरूर कहेंगे, चातक और राम जी की जो कम्बिनेशन है उसकी भी चर्चा होती रहेगी। लेकिन आपको जाते जाते मैं बता दूं, वो इंतज़ार ज़रूर कीजिए जो सेक्टर जिस स्टॉक की बात करता हूँ, 9920560932 पे नए आपको चाहिए आने वाले समय में, आपके क्या बोल सकते हैं उसको, पोर्टफोलियो 1,00,000 से 1,00,000 तक का पोर्टफोलियो, 10,000 से 10,00,000 का पोर्टफोलियो, या 10,000 से 10,00,000 का पोर्टफोलियो बनाना है तो 9920560932 पे जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए, और अपने स्टॉक मार्केट में, शेयर बाज़ार में कौन सा स्टॉक, कौन सा सेक्टर आने वाले समय में 3 से 5 साल में आपको बढ़िया और बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट देगा, जरूर व्हाट्सअप कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी और हमारी टीम की तरफ से सभी को, सभी व्यूअर सब्सक्राइब को, देश में रहने वाले, भारत में रहने, भारत से बाहर रहने वाले सभी को रामनवमी की भी ढेर सारी एडवांस में शुभकामनाएं। और जाते जाते हमने वादा किया है, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे, जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, करहूँ सोभेगी दास में तोरा, सीता राम 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 सीता राम राम राम। तो ये हमारी मनोकामना ये है कि आप सभी भगवान के सामने कभी भी कुछ भी कहिए जाइए, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कीजिए, ये 2 लाइन जरूर कहिए दोस्तों, जी हाँ। और आपको मैं एक बात और बता दूं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, अबरन रघुबर बिमल जसु जो ध्यावे फल चार। आपको इस चौपाई में बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महंत और बड़े बड़े ज्योतिषी, और इस हनुमान चालीसा की 2 चौपाई के पीछे एक शब्द छुपा हुआ दोस्तों, हनुमान चालीसा में हनुमान जी की चर्चा, हनुमान जी का गुणगान गाना चाहिए। लेकिन आपको मैं बता दूं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ हनुमत जसी जो चाहो फल पाओ। यहाँ पे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊर रघुबर क्यों है, यहाँ तो हनुमत होना चाहिए, लेकिन हनुमान जी कहते हैं अच्छा बरनऊ रघुबर, कोई बात नहीं है, हनुमान जी का नाम नहीं लिया और रघुबर, भगवान राम की चर्चा करना शुरू किया। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो चाहो फल पा, दुख बिन बन। अब पूरा चर्चा हो गया, पूरा कहाँ पे, भगवान राम का, तो वहाँ पे भगवान श्री हनुमान का तो आशीर्वाद मिलना जायज है दोस्तों। और इसकी चर्चा मैं आपको इसलिए किया कि हनुमान जी वही रहते हैं जहाँ पे राम जी की चर्चा होती है दोस्तों। जय श्री राम जी, रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को, हम माता रानी से नवरात्रि में ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको स्वस्थ रखें यही कामना करते हैं, आप खुश रहें, मस्त रहें, बाय बाय, लव यू दोस्तों।